मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की खास खबर। कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या को लगा ब्रेक, मगर मृतकों की संख्या बढ़ी। नागपुर जिले में धीरे धीरे संक्रमित मिलने की रफ्तार कमजोर पड़ने लगी है। रविवार को जिले में 590 नए पॉजिटिव मिले, जिससे संक्रमण के नियंत्रण के हल्के संकेत मिलने लगे हैं। लेकिन चिंता की बात ये है कि मौतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को 43 संक्रमितों की मौत हो गई, जिसे मिलाकर जिले में अब तक मरने वालों की संख्या 2383 हो गई है। जिले में रविवार को जो 590 पॉजिटिव मिले हैं, उन्हें मिलाकर अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 74,821 पर पहुंच गई। इसमें शहर के 59,548 और ग्रामीण भागों के 14,860 का समावेश है। रविवार को जो मौतें हुई, उसमें 28 शहर, 11 जिले व 4 जिले के बाहर के हैं। रविवार को 1650 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। इन्हें मिलाकर अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या 58,266 हो गई है। जिले में फिलहाल एक्टिव केस 14,172 है, जिसमें से 10,548 शहर के और 3,624 ग्रामीण इलाकों के हैं। इनमें से कुछ का इलाज अस्पतालों व कोविड सेंटरों में चल रहा है, तो अनेक होम क्वारंटाइन हैं। जिले में रिकवरी रेट यानी स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत 77.87% है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। बचाओ! क्या हो गया इसको? बचाओ! बचाओ! चिल्ला क्यों रहा है? बचाओ! बचाओ! बेवकूफ! बचाओ! कोई जानता है इसको? है कौन? बचाओ! बचाओ! कौन हूँ मैं? मैं एक मामूली इंसान जो खुद को और सबको कोरोना से बचाने के लिए इस मौसम में मास्क पहन के सबसे 6 फीट की दूरी रख के आधा घंटे से राशन के लिए खड़ा हूँ, और उसके ठीक सामने ये बेवकूफ अपना मास्क उठा के खुले आम सबको थूक के बीमारी देने की कोशिश कर रहा है। ये सॉरी, वो आदत पड़ी। मास्क पहन। कोरोना थूकने से फैलता है थूकी चंद। अबे सही नाम है, सभी थूकने वालों को थूकी चंद कह के बुलाना चाहिए। ए थूकी चंद, थूकी चंद, थूकी चंद, थूकी चंद, थूकी चंद मत बनिए। अपनी बुरी आदतों को बदल के कोरोना की इस लड़ाई में देश की मदद कीजिए। जय हिंद।